हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और ये है केले की, कच्चे केले की सब्जी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, तो इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं बताती हूँ आपको। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। ये दो तीन तरीके से बनती है, तो आज मैं इसको बनाऊंगी शैलो फ्राई करके। तो चलो बनाते हैं कच्चे केले की बहुत ही डिलिशियस लाजवाब सब्जी। ये कच्चा केला है, इसकी सब्जी बनाऊंगी। ये अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था और इसको छील के ये केले मैंने काट लिए हैं। कच्चे केले हैं ये। और इसमें क्या क्या जाएगा, ये टमाटर है, इसकी मैं पेस्ट बनाऊंगी। प्याज है, लहसुन है, अदरक कस के डालूंगी और जो स्पाइसेस हैं वो मैं साथ साथ मेंशन करूंगी आपको। तो इसको दो तीन तरीके से बनाया जाता है, बॉयल करके, शैलो फ्राई करके और डायरेक्ट मसाले में डाल के फिर भुना जाता है। तो मैं आज इसको शैलो फ्राई करके बनाऊंगी। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हो, बटर में शैलो फ्राई कर सकते हो या देसी घी में शैलो फ्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। इसको लगातार चलाते रहना है। अब ये 60% पक चुके हैं, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, अब यहाँ पे गैस को कर देंगे बिल्कुल सेम और इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे जीरा, और जीरा ऐसे क्रश करके तब डालना है। इसी में डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, ये भी क्रश करके डालनी है। तेज पत्ता, अब डाल देंगे प्याज और लहसुन। अब ये हल्के से पिंक कलर के हो गए हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे अपने स्पाइसेस, हल्दी, देगी मिर्च और धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे से पकाएंगे और गैस बिल्कुल सिम पे है। अब यहाँ पर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। अब डालेंगे नमक, अब यहां पर डाल देंगे अदरक कस के, और इसको अच्छे से पकाएंगे, यानी ऑयल इसका सेपरेट हो जाए तब तक हमने इस मसाले को पकाना है। अब मसाला पक गया है, अब यहां पर डाल देंगे जो हमने केले शैलो फ्राई किए थे वो। Thank you.
अब यहाँ पे अगर आप ग्रेवी की सब्जी चाहिए यानी पतली सब्जी चाहिए तो इसमें आप पानी डाल सकते हो, और अगर सूखी चाहिए तो इसको सिम आंच पे ऐसे ही 6-7 मिनट आपने इसको भूनना है, यानी ढक के इसको पकाना है, क्योंकि 60% के लिए तो पके हुए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ड्राई ही रखूंगी और गैस जो है वो सिम है और इसको ढक के पकाऊंगी। सब्जी हमारी पक गई है, अब यहीं पर डाल दूंगी हरी मिर्च तोड़ के। और यहीं पर डाल दूंगी हरा धनिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे। अभी बिल्कुल रेडी है। अब ये देखो कलर देखो इसका, और थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल देंगे। ये देखो, और ये सब्जी होगी हमारी बिल्कुल रेडी खाने के लिए। अब इसको आप पूरी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, नान के साथ खा सकते हो, प्लेन रोटी के साथ खा सकते हो। ये बहुत डिलीशियस बनी है और ये रेसिपी आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना, वही खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और सेफ रहना। चल देन, टेक केयर, बाय बाय।